नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूँ ब्रेक के बाद बेहद ही अहम न्यूज के साथ। दरअसल मथुरा से अभी अभी जीत करके हेमा मालिनी ने एक बहुत बड़ा बात कह दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरे काम की वजह से जनता ने हमें जीत दिलाया है और इसी वजह से बीजेपी और एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है। जी हाँ, बॉलीवुड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने लोकसभा चुनाव में दूसरी बार मथुरा सीट से भारी वोटों से जीत हासिल कर लिया है और उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह को हराया है, जिसमें 25 मई को हेमा सांसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी की बैठक में पहुंची थी। तो इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बता दें कि हेमा मालिनी ने कहा कि मोदी जी ने बहुत मेहनत किया है और उन्होंने अपने काम से पूरे देश को प्रभावित किया है, जिसमें मैंने भी चुनाव जीता है। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी संसदीय क्षेत्र में बहुत काम किया है और इस वजह से तो मैं आज यहां पर दोबारा आई हूं। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे आने से पहले हेमा ने कहा था कि उन्हें डर लग रहा था। इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में के दौरान यह भी कहा कि जीत का तो पूरा विश्वास था, लेकिन जनता इतनी बड़ी जीत दिलाएगी इसको लेकर के संशय था। ऐसे में गठबंधन को लेकर के सभी बोल रहे थे कि इस बार मुश्किल होगा, तो मुझे डर सा लग रहा था, लेकिन खुशी हुई है कि लोगों ने मुझे दोबारा सांसद चुना है, मुझ पर विश्वास जताया, तो मेरी भी उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। हालांकि उस दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्हें पीएम के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इसके जवाब में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऑफर आया तो भगवान अगर चाहे तो जरूर मंत्री बनेंगे। बता दें कि बीजेपी सांसदों की बैठक में चुनाव पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले सेलिब्रिटी सांसद भी शामिल हुए। इसमें सनी देओल, किरण खेर, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे सितारे भी शामिल थे। और हेमा मालिनी ने एक बार कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के काम की वजह से और मेरे काम की वजह से जनता ने हमें दोबारा से चुना है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम फिर से हाजिर होंगे जैसे ही हमारे पास कुछ और खबरें आती हैं सेलिब्रिटीज से जुड़ा कुछ न्यूज़ को लेकर के, तो हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो अभिनेता से खिलाड़ी से जब वो नेता बनते हैं तो उनके ऊपर जनता की नज़र थोड़ी ज़्यादा गड़ी हुई रहती है। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है कि क्या वो जितने आलिशान दुनिया को जीते हैं क्या वो आम जनता के लिए भी उतने अच्छे काम कर पाने में सफल हो पाते हैं या फिर ये उनका सिर्फ बोलबाला होता है। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ और अन्य न्यूज़ को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें टुडेज़ न्यूज़ चैनल।